अगली खबर एटा से है, जहां शॉर्ट सर्किट से एक ही परिवार के चार बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद पूरे परिवार और इलाके में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि थाना जैथरा के काशीराम कॉलोनी में बनी तीसरी मंजिल पर हसीन बानो अपने पांच बच्चों के साथ रहती हैं। देर रात खाना खाने के बाद बच्चे टीवी देख रहे थे, इस दौरान शॉर्ट सर्किट से कमरे में आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिवारीजनों के सहयोग से आग पर काबू पाया और गंभीर रूप से झुलसे बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बैठे हुए थे, ताप रहे थे, तो हमारे भाई और हमारी बहन हमारी पानी भरने के लिए गई थी और भाई हमारे ताप रहे थे बैठ के हमारे पास। जैसे ही हमने देखा कि हमारे बहन के घर में आग लगी हुई है, तो हम भागते हुए बुला के लेके गए बहन को और देखा ऊपर जाके तो तार शॉर्ट हो के वो उस पर गिर गया जाके वॉशिंग मशीन पे। वॉशिंग मशीन जल के और ऊपर मिट्टी के तेल का डिब्बा रखा हुआ था वो भी गिर गया नीचे, तो उसके कारण वो मिट्टी के तेल से और ज़्यादा आग फैल गई। बच्चा तो एक लड़का था वो तो ख़त्म हो गया और चार लड़की हैं उनकी, वो उनकी ज़्यादा हालत गंभीर है। जी सही है, एक ही परिवार के पांच लोग हैं, उनमें से एक बच्चे की डेथ हो गई है। उसका नाम सुभान है, पाँच साल का है बच्चा, और बाकी चार लड़कियां हैं जिनको 10 से 25% के बीच में बर्न्स हैं।